और वहीं नोएडा में बिजली बिल भुगतान को जरिया बनाकर साइबर ठग आपके बैंक खातों को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल साइबर ठगी का ये नया तरीका सामने आने के बाद बिजली विभाग सतर्क हो गया है और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सोमवार को इसको लेकर उपभोक्ताओं को एक चेतावनी संदेश भी भेजकर सतर्क किया है। दरअसल चीफ इंजीनियर बीएन सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि यूपीपीसीएल की तरफ से भेजे गए संदेश में ये साफ किया गया है कि विद्युत निगम किसी भी नंबर से बिल जमा करने या फिर कटौती की जानकारी नहीं देता है और ना ही कोई पेमेंट लिंक भेजता है। अगर ऐसा संदेश आपको मिलता है तो उसको अनदेखा ना करें, उसकी शिकायत करें और उस पर क्लिक करने पर आपके हाथ धोखा हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। विद्युत निगम केवल पीपीसीएलटी यूपीपीसी हेडर से ही बिल भुगतान या फिर विद्युत आपूर्ति की जानकारी देता है और इसकी अगर कोई संदेश आपके फोन पर आता है तो उसकी शिकायत साइबर क्राइम को जरूर दें। निश्चित रूप से आजकल साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ा हुआ है, उसमें हमारे विभाग से भी संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी हम लोगों के भी संज्ञान में आई आप लोगों के माध्यम से और भी माध्यमों से पता लगा कि इस तरह के मैसेजेज जा रहे हैं उपभोक्ताओं के पास जिसमें वो ट्रैप होने के उनके चांसेस बहुत हैं। तो विभाग ने सतर्कता बरतते हुए एक मैसेज सभी उपभोक्ताओं को जिनके मोबाइल नंबर्स अपडेटेड हैं और उनको एक मैसेज भेजा गया था कि आपका ये हमारा मैसेज का वो है माध्यम है, इसके अलावा अगर कहीं से आपको कुछ मिलता है। उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी नोएडा अब बन गया साइबर ठगों का हब। लगातार जो है साइबर ठगों के मामले की शिकायतें आ रही हैं, कहीं नौकरी के नाम पर ठगी हो रही है, कहीं ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसे ही मामला अब बिजली विभाग की तरफ में निकल के सामने आ रहा है कि व्हाट्सएप पे एक लिंक जाता है और जब उसे ओपन किया जाता है तो उनके पैसे कट जाते हैं अकाउंट से। बिजली विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया उनकी तरफ से कोई भी ऐसा लिंक नहीं जारी किया जाता है जिनसे कि बैलेंस कट जाए। एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जा रखा गया है इनकी तरफ से जहाँ पर बिजली विभाग के लिंक जाते हैं और उसको ओपन करने पर वो अपना बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन साइबर ठग जो है वो बिल्कुल वैसे ही लिंक जो है लोगों को व्हाट्सएप पर भेजते हैं और जब उसे ओपन करके ओटीपी डाला जाता है तो पूरी तरीके से उनके अकाउंट से जो बैलेंस होता है वो खाली हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की तरफ से जो है लोगों को जागरूक करने के लिए कम से कम एक से दो लाख लोगों को जो है मैसेज जारी किया गया और जागरूक किया गया। साथ ही साथ 90% से ज़्यादा जो नंबर है वो इनके पास में अपडेट है, तो कहीं ना कहीं 2 लाख लोगों को जो है इन्होंने जागरूक किया। साथ ही साथ जितने भी लोग इनके दफ्तर में आ रहे हैं या इनके अलग अलग बिजली सब स्टेशन पर आ रहे हैं उन लोगों को बैनर पोस्टर के द्वारा जो है जागरूक किया जा रहा है कि साइबर ठगों से बचा जा सके। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10।